रायपुर नवाबगंज स्थित आप देख रहे हैं छठ को त्यौहार को लेकर खरीदारी जोरों शोरों से हो रही है। माताएं या बहनें थोक लेने के लिए कतार में खड़ी हुई है। गाजीपुर नवाब की ये नवाबगंज की फुटेज है, ये देख रहे हैं। एक रूप 35 रुपये की, एक रूप 35 रुपये की माताएं बहनें निकल चुकी हैं छठ त्यौहार को लेकर उनकी खरीदारी को। बहन जी क्या नाम है आपका? ऊँ का खरीदारी करे आये नहीं, क्या लगा था? ठीक ठाक मार्केट बा? हाँ, ठीक ठाक मार्केट। क्या लग रहा बहन जी? नहीं, मार्केट ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया से छठ पूजा हो, बस यही मनोकामना है। 2-3 साल से सब बड़ी त्रस्त हो गया है कोरोना काल से कम सबकी यही इच्छा है। छठ मैया सबकी बीमारी सबकी दूर करे, सबको सुखमय करे, यही छठ से यही भगवान से बस यही दुआ है। बहन जी क्या लगा था? उनका रेट 25 रुपया है, बढ़ा ला घटल बा? कुछ नहीं, महंगाई को देखते तो हम लोग महंगा तो नहीं कहेंगे, सबको कमाने का हक है। त्यौहार में 2-4 रुपए तो सभी अधिक करते हैं और सबको एक बार मिलना चाहिए मौका। मैं बता दूं, गाजीपुर की ऐतिहासिक छठ पूजा मनाई जाती है। तमाम फिल्म दुनिया के भी लोग आते हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है। ये है ऊँख के, कहाँ, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ से ऊँख लेके आते हो आप लोग? हम लोग आजमगढ़ से आते हैं। कितने की ऊँख पड़ती है? एक तो ये वो कितने की पड़ती है? एक ऊँख तो भाड़ा वाड़ा लगा के बहुत महंगा पड़ रहा है। बीच में कोई वसूली भी होती है क्या योगी सरकार में? हाँ, वसूली रास्ते में तनी मनी। कहाँ पर होती है? टोल टैक्स है। टोल टैक्स तो वसूली नहीं है, वो टोल टैक्स है गवर्नमेंट का। अच्छा अच्छा, मतलब खरीदारी बढ़िया तरीके से चल रही है। रुका रुका, खरीदारी बढ़िया तरीके से चल रही है? हाँ, खरीदारी बढ़िया चल रही है। कितनी ऊँख लेके आए हैं आप? वही 1200 है। 1200? अच्छा, क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला जिंदल पट्टी। किस मोहल्ले में आपकी दुकान लगाए ऊँख की? ये नवाब साहब का फाटक है। नवाब साहब का फाटक, ये आप देख रहे हैं छठ पूजा को लेकर माताएं बहनें और तमाम लोग निकल चुके हैं। नवाबगंज की ये लाइव फुटेज है। जी हाँ, ये काली वाली ऊँख की खरीदारी के लिए निकल चुकी हैं माताएं बहनें। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट।